कोई इम्तहान नहीं है, शायद कलम से भी लिखा नहीं जाएगा उस जुर्म को जो हमारे नेता के खिलाफ जुर्म कहा जा रहा है। अब जहाँ तक हमारे नेता की एक ही तो गलती है कि गरीबों का साथ देते हैं। लेकिन जो भी हो रहा है ये तो शासन की एक मनमानी है। देखिए, जिस तरह से आप लोग सभी जानते हैं, मीडिया के माध्यम से हमें पता चल रहा है, जैसे हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष साहब ने कहा, माननीय हमारे नेता मोहम्मद आजम खान साहब के साथ जिस तरह से बीजेपी एक अत्याचार कह सकते हैं, जुल्म कह सकते हैं, और वह जुल्म जिसकी कोई इम्तहान नहीं होती, शायद कलम से भी लिखा नहीं जाएगा उस जुल्म को जो हमारे नेता के खिलाफ जुल्म कहा जा रहा है। अब जहाँ तक हमारे नेता की एक ही तो गलती है कि गरीबों का साथ देते हैं, गरीबी तबकों का, हर कौम को साथ में लेकर चलते हैं। क्या गलती है साहब कि छोटे गरीब बच्चों को कलम थमाने का काम करते हैं, जिसकी जिंदा मिसाल हमारी यूनिवर्सिटी रही। उसके बाद जिस तरह से घोसी का चुनाव हुआ, एक मंचा से बुरी नीयत से माननीय मोहम्मद आजम खान साहब को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि शायद हिंदुस्तान में वाहिद शख्स अगर कोई है तो माननीय मोहम्मद आजम खान एक मुस्लिम चेहरा है। और बीजेपी यह चाहती है कि जिस तरह से मुस्लिम से छुड़ा हुआ है आजम खान साहब से, वो नहीं चाहते कि आजम खान फील्ड में रहें। इसमें जिस तरह से आपने पिछले दौरान देखा होगा कि बीजेपी सरकार बनते ही माननीय मोहम्मद आजम खान साहब को 2 साल के लिए जेल काटना पड़ा। जेल काटने के बाद उनके किस तरह से उनके साथ अत्याचार हुए, जिस तरह से यहाँ तीसरा दिन जांच का चल रहा है, तो जैसे हमारा जगदीश जी ने कहा कि हमें तो हमारे चाहने वाले हमारे नेता थे, हमारे ना तो कोई स्वास्थ्य की जानकारी मिल रही है हमें कि अंदर स्वास्थ्य कैसा है, आई समझ में ना कोई सूचना मिल रही क्या हो रहा है। हम अपने नेता की बड़ी चिंता है कि आए दिन ट्रीटमेंट चलता रहता है, जिस तरह से कोरोना प्रोजेक्ट हो रहे हैं, और इस तरह से जिस तरह बुखार चल रहा है, डेंगू चल रहा है, हमें और चिंता हो जा रही है जिस तरह से कि हमारे नेता का स्वास्थ्य कैसा चल रहा है, इसकी भी हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही है। और जैसे कहा जुम्मे का दिन है, हम हिंदी में शुक्रवार बोलते हैं, तो जहाँ तक मुझे जानकारी कि जुम्मे की नमाज़ शायद मस्जिद में ही पढ़ी जाती है, घर में नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि उसमें खुतबा होता है, आई समझ में। तो हमारे नेता को उसकी भी ज़्यादा अभी तक उन्होंने नमाज़ पढ़ने की नहीं होती। ये एक जास्ती उसूल है, जितनी इसकी इंतहा का बीजेपी कर रही है, कितने भी कड़ों शब्दों में निंदा करें वो कम। कार्रवाई चल रही है, वो तो शासन की आपकी जो है आई है, इनकम टैक्स की जो टीम आई है, आज 72 घंटे होने वाले हैं, 3 दिन हो गए, और आज जुम्मा भी था, नमाज के लिए सब लोग मस्जिद में जाते हैं, लेकिन इस घर से कोई नहीं निकला है। तो अफसोस की बात है कि भाई नमाज तक के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, और नमाज तक के लिए छूट नहीं मिल रही है। भले ही साथ में लोग उनकी सपोर्टिव होती है कोई, लेकिन नमाज तक शायद नहीं पढ़ने की जा रही है, तो इससे बड़ी बात और इससे और संवेदना की बात और क्या हो सकती है। बाकी आप देख ही रहे हैं, तो हमने तो चैनलों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से पता लग रहा है, स्वास्थ्य खराब है, तबीयत खराब है, स्वास्थ्य पहले से उनका खराब ऑलरेडी चल ही रहा था, अभी पीछे भी हॉस्पिटल में भाज रहे हैं, वो भर्ती रहे हैं, तो स्वास्थ्य खराब है उनका, उसके बावजूद भी 3 दिन से लगातार वो इस सबको किस परिस्थिति में है, कैसे है, हम कोई जानकारी नहीं है, हम दुआई कर सकते हैं, लेकिन जो भी हो रहा है ये तो शासन की एक मनमानी है, क्योंकि जो जांच अब हो रही है, जांच 3 बार हो चुकी है, बीजेपी सरकार में भी हो चुकी है, समाजवादी सरकार में भी यूनिवर्सिटी जांच हुई थी, सेस भी हुआ था उसमें, और बीजेपी सरकार में उसकी जांच हो चुकी है, और फिर क्या जांच हो रही है, कैसे क्या हुआ है वो, तो जो अधिकारी हैं, जो सम्मानीय लोग हैं, जो आप बताएंगे वही बताएंगे, आपके साथ माध्यम से पता लगेगा कि क्या जाँच चल रही है, क्या है, तो बात की बात है। लेकिन 72 घंटे से ना निकलना, तब स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ना मिलना, हम सब के लिए बड़ी मुसीबत की बात है। उनको मान लो कोरोना 2.5 साल पौने 3 साल 1.5 साल जेल में रहे हैं, उसमें रहते अस्पताल में रहे, कोरोना से बहुत बड़ी भयंकर लड़ाई जीत के आए थे वो, उसके बाद में उनकी 2 ऑपरेशन दिल्ली में हुए, सर गंगाराम में हुए, अभी भी पीछे भर्ती रहे थे, उनको काफ़ी परेशानी रही थी, बहुत परेशानी में है वो, इसमें भी दवाइयाँ चलती रहती हैं और बीमार तो हैं ऑलरेडी, क्या स्वास्थ्य के बारे में अभी पता लगाया गया, कल डॉक्टर आए थे, अखबार में आया है, लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं, अखबार में सच्चे है गलत है, अखबार में आया है कि डॉक्टर आया था देखने के लिए, तो हम तो यही करते हैं, कोई दुआ करते हैं कि सेहत की अच्छी बात ही कर सकते हैं।